हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंटैक्स। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ सिंटैक्स ऑफ नाउन। बिफोर इट वी हैव कंप्लीटेड टू पार्ट्स सिंटैक्स ऑफ नाउन। द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। तो स्टूडेंट्स, द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको आप यूट्यूब में सर्च करेंगे द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश, तो आपके पास सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करें, निश्चित रूप से जो वीडियो बनेगा आपके पास पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एक वीडियो सेशन। सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ नाउन ए बी दो पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पार्ट सी अर्थात सिंटैक्स का तीसरा दिन है हमारा आज। इसमें हम देखेंगे लिखा है पार्ट थ्री, यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफ या अपोस्ट्रॉफी एंड एस। इसका सिंबल इस तरह से होता है, अपोस्ट्रॉफ या अपोस्ट्रॉफी भी कहते हैं इसे, अपोस्ट्रॉफ एस यहाँ पर लगाया जाएगा, ये कोमा स्टाइल में होता है अपोस्ट्रॉफ एस। इसका मतलब होता है काकी के, क्या यूज होता है इसका, काकी के, जैसे राम की, श्याम की, मोहन की, गीता की, तो काकी के, राम का बैग, श्याम की किताब, तो काकी के अर्थ में हम अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। इसमें देखेंगे लिखा है करेक्ट दीज फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे लिखे वाक्यों को सही करना है। अब सेंटेंस नंबर वन दिया है, थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, रुचिस मदर्स पर्स वाज लॉस्ट। इस सेंटेंस में देखिए रुचि ये भी नाउन है हमारा, मदर ये भी नाउन है, पर्स ये भी नाउन है, तीन नाउन का यूज हुआ है। अब इसमें रुचि के साथ अपोस्ट्रॉफ यूज है, मदर्स के साथ अपोस्ट्रॉफ यूज है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट नाउन है रुचि, रुचि की माँ का पर्स बाज लॉस्ट खो दिया गया, तो किसी भी सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दो बार हम अपोस्ट्रॉफ का यूज नहीं करते हैं, ये उचित नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। तो इसमें क्या करना है हमें, जो हमारा तीसरा नाउन है इसे नन लिविंग कहेंगे। ये कैसा नाउन है, नन लिविंग। इस नन लिविंग नाउन को हम सबसे पहले रखेंगे और उससे पहले भी हम क्या करेंगे, यहां पर आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो लिखेंगे द पर्स। अब इसके बाद जो हमारा फर्स्ट नाउन है उससे पहले ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ द पर्स ऑफ रुचि रुचिस मदर, द पर्स ऑफ रुचिस मदर। अब यहां से अपोस्ट्रॉफ एस हम हटा देंगे, रुचिस मदर बाज लॉस्ट, सेंटेंस करेक्ट हुआ हमारा, द पर्स ऑफ रुचिस मदर वाज लॉस्ट, रुचि की माँ का पर्स खो गया। क्योंकि एक सेंटेंस में दो बार अपोस्ट्रॉफ का यूज अनुचित माना जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो नॉन लिविंग हमारा नाउन है उसको सबसे पहले ले आएंगे और जो फर्स्ट नाउन है उससे पहले ऑफ का प्रयोग करेंगे, और जो हमारा नॉन लिविंग है नाउन है इससे पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य करेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा।
समझ में आ रहा होगा। एक से दो बार वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ध्यान रखें, एक सेंटेंस में दो बार अपोस्ट्रोफ इज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, दिस इज ए कॉलेज ऑफ बॉयज। तो इसमें करेक्ट क्या करना है, देखिए कॉलेज ऑफ बॉयज, ये कॉलेज ये भी नाउन है और बॉय ये भी नाउन है, हमारे दोनों नाउन है, इनमें करेक्शन ढूंढना क्योंकि सिंटेक्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें दिया है बॉयज, कॉलेज ऑफ बॉयज, लड़कों का कॉलेज। अब ये हमारा बॉयज क्या है, लिविंग, क्या है, लिविंग विंग, मानव प्राणी या जीवित कह सकते हैं इसे, जीवित हैं। तो जब जीवित हमारा नाउन का या लिविंग विंग्स का यूज हो तो उसके साथ हम ऑफ का यूज ना करके क्या करेक्ट माना जाता है, अपोस्ट्रोफ यूज का किया जाता है, अपोस्ट्रोफ एस या अपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है। जब जीवित नाउन का यूज हो तो उसमें ऑफ का यूज अनुचित माना जाता है अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ ग्रामर। तो हमें क्या करना है, उसके साथ अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। क्या कर देंगे सेंटेंस को हम, देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज ए बॉयज कॉलेज। अब एक चीज ध्यान दी होगी आपने, दिस इज ए बॉयज कॉलेज, ये लड़कों का कॉलेज है। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा ये वर्ड है ये कैसा है, हमारा प्लूरल है, कैसा है बेटा, ये हमारा प्लूरल, और प्लूरल वर्ड में जब एसेंडिंग प्लूरल होते हैं अर्थात जिन नाउन के बाद में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है उन नाउन के साथ केवल अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि बार बार एस लिखना भी उचित नहीं माना जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे, बॉयज केवल अपोस्ट्रोफ का यूज किया हमने, एस नहीं लगाया, ओनली अपोस्ट्रोफ, क्योंकि प्लूरल है, एस एंडिंग वर्ड है, तो ऐसी स्थिति में हम केवल अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे न कि अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। इस तरह मिस्टेक दे देता है, कह सकता है दिस इज ए बॉयज, अब यहां भी मिस्टेक को देखिए, दूसरा सेंटेंस बन सकता है दिस इज ए, इस तरह से दे देगा सेंटेंस आपको, दिस इज ए बॉयज कॉलेज। अब बच्चा समझेगा अपोस्ट्रोफ एस सही लगा हुआ है जबकि ये गलत है। तो हमें जब एस एंडिंग हमारे प्लूरल नाउंस होते हैं तो उनसे उनके साथ अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं न कि हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। ये समझ में आगे होगा आपके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं बेटा, अगला सेंटेंस दिया है पिंकीज एंड अलकास, साफ नजर आ रहा हूं, कॉलेज इज चार्मिंग। इसमें क्या करेक्शन होगा, तो देखिए करेक्शन होगा यहां पर, ये जो वर्ड दिया हमारा पिंकीज, ये हमारा रॉन्ग यूज हुआ है यहां पर, पिंकी ये भी नाउन है, अलका ये भी नाउन है, कॉलेज ये भी नाउन है। तो यहां पर हम क्योंकि अधिकार की बात की जा रही है, अब इज एक वचन नाउन है, हमारा सिंगुलर नंबर नाउन है, तो हम यहां पर जब किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर दो नाउन का समान अधिकार हो, किसी वस्तु पर दो नाउन का समान अधिकार हो तो ऐसी स्थिति में हम दूसरे नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नाउन की जगह हम क्या कर देंगे, यहां क्या लिख जाएगा, खाली पिंकी लिख जाएगा बस, बाकी सेंटेंस हमारा जो का तो हो जाएगा पिंकी एंड अलकास कॉलेज इज चार्मिंग, सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो रूल समझ गए इसके, जब दो नाउन का प्रयोग किसी एक वस्तु पर समान अधिकार के रूप में किया जाए
तो अंतिम नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, न कि फर्स्ट नाउन के। एंड से जुड़ा हुआ है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो हम इसके साथ यूज ना करके बल्कि नेक्स्ट लास्ट वाले बाद वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा हो जाएगा, पिंकी एंड अलकास कॉलेज इज चार्मिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, एक से दो बार वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा बेटा, एक बार समझ में नहीं आता तो आप जैसे देखें तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर चल रहा है मामला, तो इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम उस पर और प्रयास करेंगे बढ़िया बताने का। नेक्स्ट दिया विपिन एंड अंकित कॉलेज आर वेरी लार्ज, सेम सेंटेंस है ऊपर की तरह ही है। विपिन, ये तीसरा सेंटेंस था इसके समान ही लगभग, विपिन एंड अंकित कॉलेज आर वेरी लार्ज। अब आप समझ रहे होंगे ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि लास्ट वाले नाउन के साथ या बाद वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ शर्त दूसरी है। विपिन और अंकित के कॉलेज कैसे हैं, आर वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हैं, तो आर वर्ड दिया है, एक नहीं आर मतलब कॉलेज कितने, दो लोगों की बात करी, कॉलेज अंकित का और विपिन का कॉलेज कैसे हैं, बड़े हैं, यहां कॉलेज नहीं आएगा, कॉलेज ही आएगा, ये भी ध्यान रखना मत, कॉलेज समझो क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है कनेक्शन इसका। तो यहां पर जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अलग अलग अधिकार हो, अलग अलग वस्तुओं पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बताया जाए तो उन सभी के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर विपिन का और अंकित का जो स्कूल की बात की जा रही है वो अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर विपिन्स भी लिखेंगे, फर्स्ट नाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफ का यूज होगा और सेकंड नाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफ का यूज होगा, इस तरह से सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसी तरह नोट कर देंगे, विपिन को हटा देंगे, विपिन्स हो जाएगा एंड अंकित्स कॉलेज आर वेरी लार्ज, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। रूल समझ में आ गया होगा, जब अलग अलग वस्तुओं पर दो या दो से नाउन का अधिकार शो किया जाए तो प्रत्येक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, दिस रजिस्टर्स पेज आर रफ, दिस रजिस्टर्स पेजेस आर रफ, इस रजिस्टर के पेजेस कैसे हैं, रफ हैं, खुरदरे हैं, अच्छे नहीं है, सुंदर नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए करेक्ट करेंगे, यहां से हमारा ये मिस्टेक दिया हुआ है इसमें, क्योंकि अधिकार की बात की जा रही है किसकी, रजिस्टर के, तो ये रजिस्टर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ हम ऑफ के यूज करके सेंटेंस करेक्ट करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, जो हमारा दूसरा नाउन है, रजिस्टर भी है नाउन और पेजेस भी है नाउन, तो सेकंड नाउन जो दिया ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, तो फर्स्ट सेकंड नाउन को सबसे पहले हम लिखेंगे, तो लिखेंगे और इससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, द पेजेस ऑफ दिस रजिस्टर आर रफ, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा सेकंड नाउन है उसको सबसे पहले लेंगे, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, फिर जो फर्स्ट नाउन है नॉन लिविंग है उससे पहले ऑफ का यूज करके सेंटेंस को यथावत लिख देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखें, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफ एस या अपोस्ट्रोफ का यूज हम नहीं करते हैं बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, प्लीज ग्रांट मी लीव ऑफ 4 डेज। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि क्या कमी हो सकती है, प्लीज ग्रांट मी लीव, इस सेंटेंस में यहां से मिस्टेक है, ये पूरा पार्ट रॉन्ग वे में यूज किया गया है, बल्कि हम क्या करेंगे यहां पर, प्लीज ग्रांट मी, अब ये इसमें ऑफ का यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि हमारा रूल्स होता है, वैसे नॉन लिविंग है ये डेज, लेकिन टाइम की बात आती है, वेट की बात आती है कि साहब एक मीटर, या दूरी की बात आती है 10 किलो का वाट, तो ये वेट है, वजन, दूरी या कह सकते हैं समय, तो उनके साथ हम अपोस्ट्रॉफ एस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये करेक्ट माना जाएगा, प्लीज ग्रांट मी 4 days days leave, प्लीज ग्रांट मी 4 days लीव, 4 दिन की छुट्टी की परमिशन प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए जो समय का भाव प्रकट कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम उसके साथ, उस नाउन के साथ, भले नॉन लिविंग क्यों ना हो, जो समय, दूरी या वजन का भाव प्रकट करे, उसके साथ एस या अपोस्ट्रोप एस का यूज हम कर सकते हैं, अपोस्ट्रोप या अपोस्ट्रोप एस का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, और वीडियो लंबा हो रहा, तेजी से बताना पड़ेगा। एन आइडियल टीचर डिस्क्लोज़ आईज ऑफ माइंड। अब इसमें देखिए सेंटेंस दिख रहा है आपके लिए, एन आइडियल टीचर डिस्क्लोज़, तो सेंटेंस हमारा सही है। अब यहां से मिस्टेक दिया हुआ, आईज ऑफ माइंड, अब ये माइंड दिया है, माइंड कैसा है हमारा, है तो नॉन लिविंग, मतलब कहना चाहिए ये जीवित थोड़ी है, उसमें जान थोड़ी है, बेजानदार चीज है माइंड, हो सकता है तो जानदार मान लीजिए, लेकिन अदृश्य कहना चाहिए, सॉरी यहाँ पे अदृश्य, इनविजिबल थिंग कहेंगे, यहाँ पे क्या है ये इनविजिबल थिंग, इनविजिबल थिंग। जब इनविजिबल थिंग्स होते हैं हमारे, कुछ इनविजिबल थिंग्स भी हो सकते हैं, और उन विजिबल थिंग्स के लिए हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, मानवीकरण बना देते हैं, मानव का रूप प्रदान कर देते हैं, और कुछ हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे चंद्रमा का चेहरा, द मून्स फेस, भाई लिविंग थोड़ी दिखाई दे रहा है हमें चंद्रमा, उसी तरह से यहां पर दिया, जैसे डेथ्स हैंड, मौत के हाथ, डेथ्स माउथ, मौत का मुंह, तो ऐसी स्थिति में हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे, बल्कि अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा क्लोजेस माइंड्स, माइंड्स आईज, क्योंकि हमारा ये अदृश्य है, इसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज हम करेंगे, ऑफ का यूज अनुचित माना जाता है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, एन आइडियल टीचर डिस्क्लोज़ माइंड्स आईज, एक आदर्श अध्यापक, आदर्श अध्यापक दिमाग की आंखों को खोल देता है, और दिमाग की आंख नहीं होती, अदृश्य हैं, लेकिन मानवीकृत बना दिया गया, पर्सोनिफाइड कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है बेटा, दिस इज गर्ल्स स्कूल। अब इसमें देखिए यहां पर मिस्टेक है, क्योंकि अभी पीछे फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड में शायद हमने बताया था दिस इज गर्ल्स, ये प्लूरल है हमारा, नाउन अपोस्ट्रोफ, जब एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स होते हैं, अपोस्ट्रोफ की के साथ एस नहीं लगाते हैं, खाली अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, दिस इज गर्ल्स केवल अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, दिस इज गर्ल्स, बाकी स्कूल ये सही है हमारा, दिस इज गर्ल्स स्कूल, ये लड़कियों का स्कूल है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब हमारा जैसे कोई सेंटेंस प्लूरल नाउन दिया हो लेकिन एस एंडिंग नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, जैसे कह दिया जाए सेंटेंस दिस इज children
दिस इज चिल्ड्रेन स्कूल, ये बच्चों का स्कूल है, क्योंकि यहाँ हमने अपरस्टॉप लगाया था। अब ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन तो है लेकिन एस एंडिंग नहीं है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर अपरस्टॉप एस का यूज करना है, चिल्ड्रेंस लिखना है, प्लूरल नाउन हो लेकिन एस एंडिंग नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम अपरस्टॉप एस का यूज या अपरस्टॉप के साथ एस का यूज अवश्य करेंगे। इस तरह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपके पास तक आता रहे। मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट, कभी भी कठिन परिश्रम खराब नहीं जाता, मेहनत करते रहिए।